हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कोलकाता रेप मर्डर मामले में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। ये अभी हमने सुना है लेटेस्ट न्यूज़। तो अब देखते हैं कि उन 7 लोगों, हम तो 4 सोच पहले सुन चार रहे से थे। तीन और ऐड कर दी लगता है। हाँ, देखते हैं कौन है ये 3 लोग और, क्योंकि सुनने में तो ये आया है कि दो या तीन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, एक इंटर्न था जो उसी फ्लोर में या इसके साथ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करा हुआ या उस टाइप से कुछ था न्यूज़, वो दिखे हैं इनको, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। संजय रॉय का टेस्ट जेल में होगा, बाकी 6 लोगों का सीबीआई ऑफिस में टेस्ट होगा। टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम दिल्ली से भेजी गई है। अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा आरजीकर अस्पताल में। डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। 7 लोगों का आज पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें एक आरोपी है और 6 दूसरे लोग हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर में यह पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होने जा रहा है। संजय राय जो कि जेल में है, वहीं उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। बाकी जो 6 लोग हैं, इनका टेस्ट सीबीआई के ऑफिस में होगा। दिल्ली से स्पेशल टीम भेजी गई है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता पुलिस से यह जांच लेकर सीबीआई को दी गई थी और अब सीबीआई ने इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद आज पॉलीग्राफ टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था। संजय रॉय ने खुद को इस मामले में गुनाह भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस पूरे मामले में और भी फाउल प्ले की बात कही जा रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ अकेला नहीं था। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर की प्रक्रिया होती है, कब तक इसका रिजल्ट आता है, जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल, जितने भी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है उनकी हार्ट बीट, उनकी पल्स रेट, इसको मॉनिटर किया जाता है कि जो बयान उन्होंने जांच एजेंसी के सामने दिए हैं क्या उन्हीं बयानों पे वो कायम है, क्या उन्हें बोलते वक्त उनके शरीर में किसी तरीके के बदलाव तो नहीं हो रहे, इसी को लेकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाना था। 7 लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी, जो कि सीबीआई से अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार थे। कोर्ट में उन्होंने मंजूरी दी थी। कोर्ट की परमिशन के बाद एक दिल्ली से स्पेशल टीम भेजी गई है जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट करने में एक्सपर्ट है, तो वो अपना ओपिनियन देंगे और सिर्फ हाँ या ना के तरीके से जवाब दिए जाते हैं। इसमें जो एक आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जेल के अंदर होगा। बाकी लोगों का जो है सीबीआई दफ्तर है जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है कोलकाता में, उसके अंदर वो पूरा सेटअप किया जाएगा। प्रमोद, एक सवाल, पॉलीग्राफी टेस्ट की क्या अहमियत होती है और कानूनी तौर पर ये कितना मान्य होता है? देखिए चंदन, पॉलीग्राफी टेस्ट की कोर्ट में इसको एडमिसेबल नहीं किया जाता, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान अगर जो भी सस्पेक्ट है वो कुछ ऐसी जानकारी देता है या आरोपी कोई जानकारी देता है और उसके आधार पे कोई रिकवरी होती है या उसके आधार पे एक दिशा जो है वो जांच की वो जांच एजेंसियों को मिल जाती है, तो उसको जो है कोर्ट में माना जरूर जाता है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट को ही कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जाता। ये जितने भी साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को एनालिसिस हो, ब्रेन मैपिंग हो, इन्हें कोर्ट में एडमिसेबल नहीं किया जाता है, सिर्फ इससे जांच की एक दिशा तय होती है। कोलकाता मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत आन पड़ी, क्या इसका यह माना जाए कि जो नॉर्मल जांच है वो एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी, जिसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक लगातार थोरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है, इनके सब लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं, उसको क्रॉस किया है और साथ में जितने स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं उनको वेरीफाई किया है, तो वो सारे स्टेटमेंट एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ये चाहती है कि एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट करा के उसको सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि जो जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं या फिर जो जांच का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और ऐसे में इस तरीके के टेस्ट को भी आराम से जो है वो किसी तरीके से उसको पार कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते
हुए एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो पॉलीग्राफी टेस्ट में जो इन्होंने पहले बयान दिए थे उससे वो मेल खाते हैं तो यानी कि सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच सकती है कि अभी तक जो बयान इन लोगों ने दिए वो बिल्कुल सही थे। अगर उनमें कुछ भी विरोधाभास होता है तो उसके बाद आगे दूसरे साइंटिफिक टेस्ट कराए जा सकते हैं और फिर जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है जो उनका ओपिनियन होता है उसको सामने रख के फिर इनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आज संदीप घोष जो चार ट्रेनी डॉक्टर एक सिविक वॉलेंटियर इन छह लोगों के जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो सीबीआई हेडक्वार्टर में होंगे और ये पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुके हैं और साथ में जो संजय रॉय है वो जो जुडिशियल कस्टडी में गया हुआ है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जेल के अंदर ही होगा क्योंकि संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसने सारी बातें मान ली है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि हो सकता है कि ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा हो और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उन बयानों को जो है मिलान करने के लिए इस पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरी है कि कहीं कोई भी बयान। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी की। बात करते हैं कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की जिसमें सीबीआई सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। आपको बता दें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, आरोपी संजय राय और चार ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो इस पूरे मामले में आप देखिए सीबीआई ने इसको अपने हाथ में लिया है, जांच की जा रही है और जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है जो कि इस पूरे मामले का आरोपी है। वहीं चार ट्रेनी डॉक्टर जिनको आखिरी बार देखा गया था पीड़िता के साथ उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है सीबीआई और इन सब के बीच पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। तो एक नहीं दो नहीं बल्कि सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है सीबीआई की टीम। इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। कोलकाता पुलिस प्राथमिक जांच कर रही थी लेकिन सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा और उसी कड़ी में आज चार ट्रेनी डॉक्टर सहित संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है और इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी संजय रॉय उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि संजय रॉय का जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। इन सब के बीच एक नहीं दो नहीं बल्कि सात लोगों का इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, एक एक सबूत तलाशने की कोशिश में है। संदीप घोष आपको बता दे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है और बड़ा सवाल ये कि कौन कौन से उनसे सवाल पूछे गए हैं। देखिए वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में मौजूद थे या नहीं, आप कहां पर थे, ये सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप घोष से पूछा गया है। आपको पता है कि किसने पीड़िता का रेप किया, आपको पता है किसने पीड़िता का मर्डर किया, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ, ये बड़े सवाल संदीप घोष से पूछे गए हैं। पुलिस को वारदात की जानकारी आखिर किसने दी थी, वारदात वाले दिन पीड़िता को क्या देखा गया था, क्या पीड़िता से कोई मुलाकात हुई थी और इसी के साथ साथ पीड़िता के बीच किस तरह का विवाद था, परिजनों को हत्या को आत्महत्या बताया क्यों गया, वारदात की सूचना पुलिस को देरी से क्यों दी गई, ये वो तमाम सवाल है जिसका सामना संदीप घोष को करना पड़ रहा है। क्या आपने क्राइम सीन रिनोवेशन करवाया उस पूरे इलाके का, क्या किसी ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा है, तो ये वो सवाल है जो पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है उनसे करे गए हैं। वारदात के बाद तुरंत रिजाइन क्यों दे दिया, इतनी जल्दी आपको किस बात की थी, और लगातार यही सवाल उठ रहे हैं क्या रिजाइन के लिए किसी ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया था, वारदात के बाद किस किस से आपकी बातचीत हुई, वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी, आरोपी संजय रॉय को क्या आप जानते हैं, अगर हाँ तो कब से आप उनसे कितनी बार मिले हैं। भाई मैं जितना इस केस के बारे में सोचती हूँ ना मुझे और लगता है कि इसके अंदर बहुत ही कुछ गफले हैं, मुझे और फील होता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि भैया हर बारी सीबीआई को इतना लेट क्यों इन्वॉल्व किया जाता है जब सारे सबूत ख़त्म हो जाते हैं, जिसके जो विक्टिम होता है उसकी बॉडी भी जो होती है वो उसको क्रिमिनेट हो गई होती है, वो सब तब क्यों होता है, अब क्या सबूत हैं। और मैं एक ये बात भी सोचती हूँ कि पेरेंट्स जिसके साथ ये हुआ होता है उसके रिश्तेदार या उसके पेरेंट्स इतनी जल्दी क्यों करते हैं कि हम उस बॉडी का जो है अंतिम संस्कार कर दें, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि अभी नहीं, अभी हम अगर इसी हॉस्पिटल में, जैसे इस केस में इसी हॉस्पिटल में उसके साथ ये हुआ है और पोस्टमार्टम भी यहीं हो रहा है, नहीं हम नहीं, ये बॉडी अभी हमें वापस मेरी बेटी की बॉडी दो, मैं प्रॉपर पोस्टमार्टम किसी रिप्यूटेड जगह से जाके खुद करवाऊंगा। क्यों इतनी जल्दी करते हैं कि सारे सबूत ही ख़त्म हो जाएं। और इसमें तो हर जगह पे और शक होता है कि भैया तुम क्यों करा रहे थे पोस्टमार्टम उसी टाइम,
तुमको इतनी जल्दी क्या थी? फिर जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे तुम रेनोवेशन कर रहे हो, तुम सारी मतलब कमरे कुमरे को तोड़ मोड़ दिया तुमने, फिर जब दंगाई आए वो भी वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय, सबूतों के एरिया में भागे जा रहे हैं डिस्ट्रॉय करने, क्राइम होती है सुबह, इन्वेस्टिगेशन होती है नेक्स्ट डे, उतने में सब कुछ मिटा चुके, सब मिटा दिया बॉडी के साथ, उसके सारे सबूत मिटा दिए। जैसे लग रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना बेस्ट कोई बंदा भेजा, हाँ, लॉयर, गवर्नमेंट क्यों घबरा रही है? हाँ, गवर्नमेंट ने वो सिब्बल को क्यों किया भाई? गवर्नमेंट बोल सकती है देखिए सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे सिस्टम है सबसे अपना वो, और ये हो गया जिसने किया है वो बुरा है, मगर जिस तरह से गवर्नमेंट टेंशन में आई हुई है तो क्या वो भी इन्वॉल्व थे? बहुत बड़ा कोई खेल है ये, बहुत बड़ा खेल है, हमारे सोच से बाहर होगा, और अगर ये खेल खुल गया तो लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या चल रहा है देश में। पे ममता बनर्जी भी घबरा गई थी, उसने बोला था कि अगर पुलिस नहीं जांच करती मैं सीबीआई को दे दूंगी, जबकि काफ़ी लेट हो चुका, मगर उसको भी शक था ममता को कि भैया ये सही तरीके से काम नहीं हो रहा। मुझे तो ममता भी इन्वॉल्व लग रही है, मुझे ये बहुत ऊपर तक लग रही है। इन्वॉल्व तो नहीं है मगर पॉइंट ये होगा, पता होगा कि क्या उसको चल रहा है, सब पता है, और अपनी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रही है लेडी, उसको सब पता है। अब इन्वॉल्व थी नहीं थी वो तो कोई ढंग से कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो पता चलेगा, बिना किसी प्रूफ के कुछ कह नहीं सकते। अभी यही है कि वी विल सी क्या होता है, बट इसमें ये बहुत छोटा मोटा एक बंदे ने अपने पे ब्लेम ले लिया, दैट डज नॉट, नहीं वो बहुत, और मैं तो पूछ रही हूँ कि भैया उसको वो पी के उस टाइम कैसे आया, मुझे लगता है किसी ने उसको इन्फॉर्म किया अब तू यहाँ आ, और मुझे लगता है वो खास आया है अपना सबूत रखने के लिए ताकि मैं फंसूँ, फिर उसने अपने कान के वो गिराए हैं जान पूछ के वहाँ जाकर, और फिर किया, ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये सब उसने पैसों से या डरा धमका के उसको कहोगे कि तू अभी ये कर, और उसने अपने आप पे वो सारा जो इल्ज़ाम लेने को वो राज़ी हुआ होगा और फिर वहाँ गया होगा क्राइम सीन पे, उसने अपने कान के गिराए होंगे, सबूत तो सबूत छोड़े होंगे ताकि सारा इशारा हमारी मेरी तरफ हो जाए, कोई पता नहीं क्या हो सकता है। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।